नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। मोटा हल्दू के हेड़ा गज्जर गांव में कांग्रेस एसएससी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया। इंद्रपाल आर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वहीं बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। आज ऐसे डिपार्टमेंट की मीटिंग है, इसके हमारे जो इस मीटिंग के संरक्षक हैं हमारे जिला उपाध्यक्ष हीरालाल जी हैं, जिनके निवास स्थान पर ही आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। हमारे बड़े नेता भी, हमारे जो शीर्ष नेता हैं प्रदेश में, वो भी सब मौजूद हैं। हम एकजुटता के साथ 2022 के मिशन को लेकर चल रहे हैं और बूंद-बूंद कर लेकर के गठित कर रहे हैं। और आज हमारी काफ़ी मातृशक्ति और हमारे कुछ सम्मानित व्यक्ति सभी लोग एकजुटता के साथ 2022 का मिशन चल रहे हैं। उत्तराखंड की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में रेखा आर्य एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में जूना अखाड़े में पहुंचकर जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हरिगिरी महाराज और संतों का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसी क्रम में राज्य मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंचकर जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और संत जनों के साथ मिलकर गंगा की पूजा अर्चना भी की। कोटद्वार में लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ता देख आरटीओ और पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कोटद्वार के लालबत्ती चौक पर चले इस अभियान में ज्यादातर दोपहिया वाहन सवारों पर गाज गिरी, जिसमें खासकर हेलमेट को तवज्जो दी गई। बिना हेलमेट वालों के चालान काटे गए और साथ ही दोपहिया वाहन सवार को सख्त हिदायत दी गई कि दोबारा बिना हेलमेट के वाहन सीज कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर पुलिस प्रशासन, वन विभाग ऐसे अन्य विभागों के साथ ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया जाता है, ताकि जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है वो अंतर्विभागीय भी हो पाए। एक अंतर्विभागीय जो सहयोग है वो बहुत जरूरी होता है परिवर्तन कार्रवाई में। तो ये इसी के चलते ये अभियान है और ये समय समय पर बार बार चलाया जाएगा। हमने लगातार ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की है। अगर आप चाहे हमारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं लगातार, क्योंकि देखिए एक मजबूरी भी है किसी प्रवर्तन अधिकारी की। जैसे आप परिवहन विभाग में मुझे देखिए प्रवर्तन अधिकारी, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लक्ष्मण झूला से लेकर आपकी नैनी डांडा ऊपर रिखनीखाल पार्टी सेंट से लेकर अलग हमारे पास क्षेत्र है। तो एक प्रवर्तन अधिकारी के लिए संभव नहीं होता है कि वो महीने के 30 के 30 दिन एक ही स्थान कोटद्वार पर उपस्थित हो, क्योंकि हमें लगभग सभी क्षेत्र का भ्रमण करना होता है। तो जब भी हम कोटद्वार में उपस्थित रहते हैं, हमने लगातार कार्रवाई की है ओवरलोडिंग पर कार्रवाई, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल की ओवरलोडिंग हो, चाहे माल वाहन की ओवरलोडिंग हो। और पहाड़ों में भी हमने कार्रवाई की है, आप चाहे उसको चैलुसरण की रोड पर आप देख लीजिए, या आप बसेड़ा रोड पर देख लीजिए, रतवा ढाप की रोड पर आप ले लीजिए, सभी रोड पर हमने लगातार कार्रवाई की है इसकी। तो इस मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सहयोग से मसूरी तिलक लाइब्रेरी के सभाकर में एपन कला के जरिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पत्नी निर्मला जोशी ने जिला उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस मौके पर निर्मला जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की विरासत को बचाने के लिए और लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में भारी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग कर एपन कला का प्रशिक्षण लिया और कला के माध्यम से वो अपने आप को निर्भर बनाने की कोशिश करेंगी। मैं कहूँगी कि माननीय मंत्री जी का ये बहुत एक अच्छा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि महिलाओं का रहता था कि कुछ ऐसा काम हो जिसे हम कर सकें, जिसे सीख सकें आगे अपनी आजीविका का या अपनी हॉबी या कुछ भी खाली टाइम में, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और इन्हें एक बहुत अच्छी ट्रेनर भी मिली हैं जो इन्हें अपन कला हर उसमें सिखाएंगी, तो इससे महिलाओं को बहुत लाभ। इसकी एक यूनिवर्सल अपील, वो हमारे उत्तराखंड की कला है, कुमाऊँ में उसको कला के साथ साथ लोगों ने उसको जीविका के रूप में भी अपनाया। तो ये ट्रेनिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है, मसूरी टूरिस्ट टाउन है, यहाँ पे देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं, तो महिलाएं जो है इन्होंने इसको सीख रही हैं और काफ़ी रुचि दिखाई है इन्होंने इसमें। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहा सड़क पेंटिंग का काम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आने लगा है। इस सड़क पर डामर बिछे अभी महज 15 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन सड़क पर हुई नई पेंटिंग इन चंद दिनों के भीतर ही उखड़ने लगी है। सीएम तक मामले को पहुंचाने के लिए सड़क का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनाकर डाला गया, जिससे शासन और प्रशासन के संज्ञान तक ये मामला पहुँच सके। जिस तरीके से कोटद्वार से लेकर पौड़ी तक सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका कार्य अभी चल रहा है। मैंने एक्शन जो NH है उनसे बात किया है और उनका ये है कि अभी कार्रवाई चल रहा है, अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से उनके JE और AE जो है सड़क का निर्माण कार्य की जाँच करते रहेंगे। SDM सर से मैंने निर्देश जारी कर दिया कि हर SDM जो है अपने अपने क्षेत्रांतर्गत सड़कों की गुणवत्ता के लिए सैंपल्स कलेक्ट करेंगे सड़क का, और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को इंश्योर कराएंगे।
गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां गौ अवशेष के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपियों ने हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गणमीरपुर में इस घटना को अंजाम दिया था। पिछले कई दिनों से पुलिस को गौकशी करने की सूचना मिल रही थी। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के मद्देनजर गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश नगर निगम के हॉल में बैठक की। इस दौरान विभागों के अधिकारियों से बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव मांगे गए। वहीं अधिकारियों ने गढ़वाल कमिश्नर को आश्वस्त किया है कि यात्रा से पहले जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि जल्द ही व्यवस्थाओं के फीडबैक लेने के लिए फिर से बैठक ली जाएगी। वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए जाएंगे। चारधाम से रिलेटेड बैठक रखी गई थी, प्रथम बैठक थी। इसके पहले सभी जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश ऑलरेडी दे दिए गए हैं कि इनसे क्या क्या अपेक्षा है, उनको क्या क्या करना है। तो आज उसी के संबंध में बैठक थी। और अभी क्योंकि सब लगभग सभी विभागों ने कार्य अपना प्रारंभ कर दिया है, तो इस बार क्योंकि जो ये चारधाम में जो कपाट खुलने हैं ये 12 मई से प्रारंभ होते हैं, श्री केदारनाथ जी का 17 और बद्रीनाथ जी का 18 मई को है, तो हमारे पास समय है अभी। और क्योंकि इस बार कुंभ भी चल रहा है तो अभी बहुत सारी हमारी फोर्सेज हैं और जो बाकी हमारी जो स्टाफ है SDMs हैं इस वक्त कुंभ में कुंभ की ड्यूटीज़ में भी लगे हुए हैं, तो कार्य अभी चल रहा है। मुख्य तौर पर जो हमारा फोकस था वो सड़क, जो सड़क की क्वालिटी है, बिजली की व्यवस्था है, पानी की आपूर्ति है, और उसके साथ साथ जो यात्रा रूट पर और अन्य सुविधाएँ हैं, जैसे हमारे पर्यटक विश्राम स्थल है, खान पान की व्यवस्था है, और उसके अलावा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, तो उसमें जो जितने संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश कर दिया गया है। और इस पे जो रिव्यू बैठक है ये अप्रैल के हम तृतीय सप्ताह में लेंगे, तब तक सभी विभाग जो है अपने अपने कार्य पूरे कंप्लीट कर उसमें अपनी रिपोर्ट्स देंगे, और लगभग मई के प्रथम सप्ताह में जो संबंधित DM से, जिलों के DM से, उसके साथ मैं स्वयं भी उसमें इंस्पेक्शन करूंगा। लक्सर के दाबकी तिराहे के पास चलते ट्रैक्टर ट्रॉली में भयंकर आग लग गई। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ने की पत्ती भरी हुई थी। आग लगने की वजह से चालक ने कूद कर जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली लक्सर से दाबकी गांव की ओर जा रहा था, वहीं आग लगने की वजह से घंटों सड़क पर यातायात बाधित रहा। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।